सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट के बारे में है। हर साल इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में ऑर्गेनाइज किया जाता है। मकसद होता है ये हाईलाइट करना नॉर्थ ईस्ट के रीजन में कितना ज़्यादा टूरिज्म का पोटेंशियल है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट ना सिर्फ इंडिया के दूसरे इलाकों से बल्कि दूसरे कंट्रीज से भी नॉर्थ ईस्ट में आए और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक बूस्ट मिले। इस बार कल से यानी 22 नवंबर से इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट स्टार्ट होगा। कहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का ये 7वां एडिशन होगा। पिछले साल इस मार्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था असम की राजधानी गुवाहाटी में। इस मार्ट में नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर बिजनेस फ्रेटर्निटी हैं वो भी जुटेगी और नॉर्थ ईस्ट रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किस प्रकार से बूस्ट दिया जा सकता है उस पर भी फोकस किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात, इससे पहले इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट गुवाहाटी, तवांग, सिलोंग, गंगटोक, इम्फाल इन सब सिटीज़ में ऑर्गेनाइज हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में रोटेशनल बेसिस पर ऑर्गेनाइज होता है ये इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। अगर एक साल असम में हुआ है, अगले साल अरुणाचल प्रदेश में, अगले साल नागालैंड में, अगले साल मिजोरम में, इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन होता है इस मार्ट का। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हिमालयन रीजन में इंडियन हॉर्न फ्रॉग्स की नई स्पीशीज़ की डिस्कवरी के बारे में है। हॉर्न फ्रॉग्स देखो वो फ्रॉग्स होते हैं जिनकी पलकों के ऊपर इस प्रकार का सींग का टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है हॉर्न फ्रॉग्स यानी सींग वाले मेंढक। अभी कंटेक्स्ट जैसा मैंने आपको बताया, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालयन रीजन है वहाँ से सींग वाले मेंढकों की 4 नई स्पीशीज़ का पता लगा है। कौन कौन सी हैं ये 4 नई स्पीशीज़ सींग वाले मेंढकों की? गारो वाइट लिप्ड हॉर्न फ्रॉग, येलो स्पॉटेड वाइट लिप्ड हॉर्न फ्रॉग, जायंट हिमालयन हॉर्न फ्रॉग और हिमालयन हॉर्न फ्रॉग, ये 4 नई स्पीशीज़ हैं सींग वाले मेंढकों की। 14 साल लगे रिसर्च करने में नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज डुबलिन आयरलैंड, इसके अलावा नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम यूके, इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बायोलॉजिस्ट ने 14 साल तक रिसर्च की नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तब जाके सींग वाले मेंढकों की इन 4 नई स्पीसीज का पता लगा है। अगर यूपीएससी पूछती है रिसेंटली सींग वाले मेंढकों की 4 नई स्पीसीज का पता लगा कहाँ पे, कौन से रीजन में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, या फिर ऑप्शंस इस प्रकार के भी बनाए जा सकते हैं, ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में, तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के हिमालयन रीजन में इन स्पीसीज का पता लगा है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में है। 2 अलग अलग न्यूज़ थी, सिम्बेक्स के बारे में और वज्र प्रहार के बारे में, लेकिन एक साथ कंबाइन करके डिस्कस कर लेते हैं। सिम्बेक्स देखो एक मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर के बीच ऑर्गेनाइज होती है। 1994 से यानी 1994 से लेकर अभी तक सुचारू रूप से ये मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज हर साल ऑर्गेनाइज होती है और 2018 का जो एडिशन है वो सबसे बड़ा रहा। अब ये ख़त्म हो गई है। इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी के हॉक जेट फाइटर्स और INS शक्ति ने पार्टिसिपेट किया। इस साल का सिम्बेक्स का एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ बंगाल की खाड़ी में यानी बे ऑफ बंगाल में। अब हम बात करते हैं वज्र प्रहार की। ये इंडिया और USA के बीच होने वाली एक स्पेशल फोर्सेस जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। एक साल इंडिया में ऑर्गेनाइज होती है तो अगले साल USA में, यानी अल्टरनेट रूप से इंडिया और USA में ऑर्गेनाइज होती है ये एक्सरसाइज। अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, 2018 का एडिशन वज्र प्रहार का स्टार्ट हुआ कहाँ पर? बीकानेर में। बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है यानी MFFR, वहाँ पर वज्र प्रहार का 2018 का एडिशन स्टार्ट हुआ। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर के टैग के बारे में है। पिछले 16 सालों से ब्राज़ील के पास टैग है लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कंट्री का, लेकिन इस बार मौसम अच्छा नहीं रहा ब्राज़ील में, इस वजह से शुगर प्रोडक्शन कम हुई है, तो ये टैग इंडिया को हासिल हो जाएगा। यानी इंडिया ब्राज़ील को रिप्लेस करके लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कंट्री बन जाएगा इस साल। वैसे लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर कंट्री ब्राज़ील ही रहेगा, ब्राज़ील के बाद नंबर आता है थाईलैंड का।
यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 21% शुगर प्रोडक्शन कम होगा इस साल ब्राज़ील में, और शुगर प्रोडक्शन होगा 30.6 मिलियन टन्स। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। बराक वैली के बारे में आपने सुना होगा, पहले तो आप ये बताइए बराक वैली है कहाँ पर। बराक वैली है असम में। आपको ये बताना है इनमें से बराक वैली की इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है, जूट है, टी है, शुगर केन है या फिर कॉटन है। सोच के देखिए, क्या असम में शुगर केन होता है, कॉटन होता है, टी होता है या फिर जूट होता है। अगर आपको इस फैक्ट का पता है कि बराक वैली असम में है, तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, क्योंकि असम फेमस है टी प्रोडक्शन के लिए। और ये पता लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है कि बराक वैली नॉर्थ ईस्ट में है। बराक रिवर के बारे में तो सुना ही होता है, बराक रिवर नॉर्थ ईस्ट में है, तो थोड़ा सा इनडायरेक्टली अंदाज़ा लग जाता है। एक और क्वेश्चन जो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था 2008 में, चिकमगलूर इज वेल नोन फॉर शुगर प्रोडक्शन। दूसरी स्टेटमेंट, मांड्या इज वेल नोन एज कॉफी प्रोडक्शन रीजन। क्या चिकमगलूर में शुगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, फेमस है शुगर प्रोडक्शन के लिए चिकमगलूर, और क्या मांड्या फेमस है कॉफी प्रोडक्शन के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा काफ़ी पूछे जाते हैं। 2014 में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, और शायद 18 में भी था, साड़ी के लिए कौन सा रीजन फेमस है, मैंगो के लिए कौन सा रीजन फेमस है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ज्योग्राफी में जब आप इंडस्ट्रियल लोकेशंस पढ़ोगे, उनको आप ध्यान से पढ़ना, उनको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकेगा। फिलहाल देखो, इसका आंसर डी है, चिकमगलूर फेमस है कॉफी प्रोडक्शन के लिए और मांड्या फेमस है शुगर प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल मार्स के रिवर डेल्टा के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, नासा ने मार्स के एंशियंट रिवर डेल्टा का चुनाव किया है। यहाँ पर नासा का अनक्र्यूड यानी बिना क्र्यू का मार्स 2020 रोवर लैंड करेगा और एविडेंस कलेक्ट करेगा। मकसद रोवर का ये होगा, मार्स पर अगर प्राचीन काल में कहीं कभी लाइफ रही है, यानी जीवन था पहले कभी, तो उसके प्रमाण जुटाना। नासा का मानना है कि देखो, डेल्टा सबसे बेहतर जगह है लाइफ के एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, तो लैंडिंग साइट जहां पर नासा का अनक्र्यूड मार्स 2020 रोवर लैंड करेगा, उस साइट का नाम है जेजेरो क्रेटर। यहां पर 500 मीटर डीप लेक है, और ये जो डीप लेक है पहले बहुत सारी रिवर्स के नेटवर्क से कनेक्टेड थी, ऑलमोस्ट 3.5 से लेके 3.9 बिलियन ईयर्स पहले। लास्ट में वही बात बोली जाती है, अगर मार्स पर कभी लाइफ रही होगी तो डेल्टा सबसे बेहतर जगह है, क्योंकि डेल्टा के ऊपर काफ़ी सारे डिपॉजिट्स जम गए होंगे, लेयर्स जम गई होंगी। अगर लाइफ रही होगी तो लाइफ के प्रमाण जो हैं वो प्रिजर्व फॉर्म में मिलेंगे, यानी ज़्यादा विकृत फॉर्म में नहीं मिलेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में है, यानी INO। कहां पर इस्टाब्लिश की जा रही है ये ऑब्जर्वेटरी इस्टाब्लिश की जा रही है तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में। तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर एक गांव है पोटीपुरम, वहां पर इस ऑब्जर्वेटरी को इस्टाब्लिश किया जा रहा है। लोकल लोग विरोध कर रहे हैं, मामला पहुंचा था NGT में हाल ही में। पिटिशनर ने कहा था इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो क्लियरेंस दी गई है उसे रद्द कर दिया जाए, लेकिन NGT ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन NGT ने इतना ज़रूर कहा, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस भी होनी चाहिए इस ऑब्जर्वेटरी के लिए। तो अब इस ऑब्जर्वेटरी के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस भी लेनी पड़ेगी। इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में जो बेसिक्स हैं उनको हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। इस ऑब्जर्वेटरी को तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में बोधी हिल्स में इस्टाब्लिश किया जा रहा है, लेकिन लोकल विलेजर्स विरोध कर रहे हैं इस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का। काफ़ी सारे मिथ्स हैं, जैसे लोकल विलेजर्स का ये मानना है कि न्यूट्रिनो जो पार्टिकल्स हैं वो शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल हैं, लेकिन ये मिथ है। हर एक समय हमारे शरीर से लाखों न्यूट्रिनो पार्टिकल्स पास होते हैं, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। और कुछ समय पहले कुछ रेडिएशंस रिलीज हुई थी इस लोकल एरिया में, तो विलेजर्स को ये लगता है कि इसी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी से ये रेडिएशंस रिलीज हुई थी, ये भी एक मिथ है। हम इस आर्टिकल में डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिनो का पूरा कंसेप्ट है क्या, किस प्रकार के ये पार्टिकल्स हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्यों ये ऑब्जर्वेटरी इस्टाब्लिश की जा रही है।
सबसे पहले देखो बात करते हैं न्यूट्रिनो है क्या। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का आपको पता है ये टीनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ये तीनों क्या है? तीनों है टीनी यानी छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो इन टीनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की तरह ही न्यूट्रिनो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, लेकिन फर्क इतना है कि न्यूट्रिनो एटम में नहीं मिलते, समझ गए? यानी जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उसी प्रकार से न्यूट्रिनो भी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि न्यूट्रिनो इन तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स की तरह एटम में नहीं मिलते। न्यूट्रिनो के का मास बहुत कम होता है और कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रिनो के ऊपर। वैसे देखो प्रोटॉन के ऊपर प्लस वन चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस वन चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। उसी प्रकार से न्यूट्रिनो के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। और यहाँ पे देखो ये प्लस वन माइनस वन एग्जैक्टली प्लस वन माइनस वन नहीं है, इनकी कुछ वैल्यू है, जैसे यहाँ पे देखिए। लेकिन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए आप उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में अभी मत जाइए। कहने का एसेंस ये है कि न्यूट्रिनो के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके अलावा न्यूट्रिनो बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं दूसरे मैटर पार्टिकल्स के साथ। देखो छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। यूपीएससी यूं पूछ लेगी, क्या न्यूट्रिनो दूसरे मैटर पार्टिकल्स के साथ काफी मजबूती से इंटरेक्ट करते हैं, काफी जोर शोर से इंटरेक्ट करते हैं? नहीं, गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। आप इस प्रकार से याद रह सकते हैं कि न्यूट्रिनो अपने आप में मस्त रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। आपके दिमाग में बात छप जाएगी। उसके बाद ओरिजिन कैसे हुआ न्यूट्रिनो का? देखो न्यूट्रिनो या तो सूर्य से आए हैं या फिर दूसरे स्टार से आए हैं कॉस्मिक रेज की फॉर्म में। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं? कॉस्मिक रेज एक प्रकार की रेडिएशन होती हैं जो निकलती हैं सूर्य से यानी सन से या फिर दूसरे स्टार से। रेडिएशन ऐसी होती है कि इस रेडिएशन में काफी एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब। तो देखो सन और दूसरे स्टार से जब कॉस्मिक रेज आई तो उन कॉस्मिक रेज में न्यूट्रिनो भी आए। एक तो देखो ये सोर्स हो सकता है न्यूट्रिनो की उत्पत्ति का। दूसरा सोर्स ये हो सकता है कि जब यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, शुरुआत में सिर्फ एक गोला था, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स की उत्पत्ति होती है और धीरे धीरे यूनिवर्स एक्सपेंड होता है और आज भी एक्सपेंड हो रहा है। तो जब ये एक्सप्लोजन हुआ था बहुत बड़ा, तो उस समय न्यूट्रिनो की उत्पत्ति होती है। तो ये दूसरी एक्सप्लेनेशन है कि कैसे ओरिजिन हुआ न्यूट्रिनो का। देखो न्यूट्रिनो को लैब में भी फॉर्म किया जा सकता है और थ्री टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिनो। पहली टाइप है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, यहां पे देखिए, दूसरी टाइप है मुओन न्यूट्रिनो और तीसरी टाइप है टाउ न्यूट्रिनो। और जब देखो न्यूट्रिनो ट्रेवल करते हैं, मान लीजिए यहां से यहां ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल इस पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है लेकिन चल रहा है न्यूट्रिनो, तो चलते चलते दूसरी फॉर्म में आ जाएगा, टाउ न्यूट्रिनो हो जाएगा। इस चीज को बोलते हैं न्यूट्रिनो ओसिलेशन। यहां पे पिक्चर देखिए आप, अगर यूपीएससी पूछती है न्यूट्रिनो ओसिलेशन क्या है, न्यूट्रिनो की एक फॉर्म ट्रेवल करते वक्त अगर चलते चलते दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उस चीज को कहते हैं न्यूट्रिनो ओसिलेशन। अब देखो आप मुझे एक बात बताइए कि ये सब तो ठीक है, न्यूट्रिनो के बारे में हमने बहुत कुछ स्टडी किया, लेकिन न्यूट्रिनो की ऑब्जर्वेटरी इस्टैब्लिश करके तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में बोधी हिल्स में हमें क्या फायदा होगा? अगर देखो न्यूट्रिनो को हम ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, तो काफी सारे फायदे हो सकते हैं। हमें सन की प्रॉपर्टीज का पता लग सकता है, जैसा हमने डिस्कस किया कि सन से कॉस्मिक रेस की फॉर्म में आते हैं न्यूट्रिनो। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि यूनिवर्स की उत्पत्ति जब हुई थी तो उस समय न्यूट्रिनो की भी उत्पत्ति हुई थी। तो अगर न्यूट्रिनो को हम स्टडी करें तो यूनिवर्स की उत्पत्ति का भी हमें पता लग सकता है, कैसे ओरिजिन हुआ था यूनिवर्स का। तीसरे नंबर पे न्यूट्रिनो को अच्छे से स्टडी करने से मेडिकल इमेजिंग में फायदा होगा। मेडिकल इमेजिंग क्या है? जैसे एक्सरेज, एमआरआई, ये सब चीज़ें, यानी शरीर के इंटरनल पार्ट्स का या फिर एक्सटर्नल पार्ट्स की जो हम फोटो लेते हैं डिजीज का पता लगाने के लिए, उस साइंस में और ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी अगर न्यूट्रिनो पे अच्छे से रिसर्च होती है तो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। देख लेते हैं शुरुआत से आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट की, हमने हिमालयन रीजन में सींग वाली मेंढकों की चार नई जो स्पीशीज मिली हैं उनके बारे में डिस्कस किया, सिम्बेक्स और वज्र प्रहार के बारे में डिस्कस किया, लार्जेस्ट सुगर प्रोड्यूसर कंट्री अब इंडिया होगा 16 सालों के बाद हमने डिस्कस किया, रिवर डेल्टा इन मार्स के बारे में डिस्कस किया, सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया INO के बारे में यानी इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।